हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे नेपाल की। नेपाल हम सभी को पता है कि आज बांग्लादेश से हार गया, और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि बांग्लादेश ने नेपाल को हराया, लेकिन अंपायर ने बड़ी बेईमानी कराया। जी हाँ, हम सभी को पता है कि नेपाल ने पहले गेंदबाजी करी थी और एक बहुत अच्छे स्कोर पर रोक दिया था बांग्लादेश को, सिर्फ और सिर्फ 105 रन पर, जो कि हो सकता था टीम 70-80 पर भी ऑल आउट कर सकती थी। लेकिन चलिए, वो नहीं होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है 15वें ओवर में एक जब बल्लेबाजी कर रहे होते तंजीम हसन शाकिब, हम सभी को पता है कि बाद में उन्होंने लड़ाई भी की पहले कुशल भुरदेल के साथ, वो तो टाल कर चले गए बात को, लेकिन फिर रोहित पौडल के साथ, और रोहित पौडल उनसे भिड़ भी गए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर बेईमानी कैसे हुई नेपाल के साथ। तो तंजीम हसन शाकिब जो 15वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे, बॉल डालने से संदीप लामिचाने ने बॉल डाली, उन्होंने स्वीप किया और अंपायर ने LBW करार दे दिया आउट, वो आउट होकर अब जाने वाले थे। इससे पहले हम सभी को पता है कि उनके पास DRS था, और DRS का नियम ये कहता है कि आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं जो नॉर्थ साइकिल एंड पर है, उसके बाद DRS लेना है या नहीं लेना है आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नियमों के विरुद्ध जाकर बहुत बड़ा धोखा हुआ नेपाल के साथ। जी हाँ, क्योंकि वहां पर जाकिर अली जो नॉर्थ साइकिल एंड पर खड़े थे, पहले तो इन दोनों ने आपस में बात की, उसके बाद जाकिर अली ने डगआउट में देखा और वहां पर बात की कि क्या DRS लेना चाहिए या फिर नहीं, और जाके हरी अली जो है वो सामने एकदम देखते हुए बात करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका मतलब साफ तौर पर वो बेईमानी करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए, वो तो बांग्लादेश की टीम है, हमने कई बार देखा उनको इस तरह की हरकतें करते हुए, लेकिन बड़ी बात है अंपायर ने कि ये क्यों नहीं देखा। अंपायर ने जैसे उन्होंने DRS मांगा सामने देख करके, उन्होंने भी ऐसे कर दिया कि हाँ DRS दे दो। तो ये अंपायर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। बाय द वे बता दें आपको कि पाकिस्तान के अंपायर थे, वो जो अंपायरिंग कर रहे थे पाकिस्तान के अंपायर थे, उन्होंने साफ तौर पर DRS की मांग कर दी, और फिर वहां पर जो बॉल थी पिचिंग इन लाइन थी, विकेट अंपायर कॉल, माफ कीजिएगा, इंपैक्ट अंपायर कॉल था, विकेट मिसिंग था, इसी की वजह से उनको आउट नहीं दिया गया। अब चलिए, वो आउट नहीं था, लेकिन अंपायर ने आउट तो दिया था, और नियम तो यही कहता है कि उसके बाद आउट होना चाहिए था। और अगर उनको लेना था रिव्यू तंजीम हसन शाकिब को, तो पार्टनर से बात करते आपस में लेते, डगआउट में देखने की क्या जरूरत थी, जो कि ICC का नियम सख्त कहता कि ये आप नहीं कर सकते। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या ICC को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और क्या ना सिर्फ अंपायर पर बांग्लादेश के प्लेयर्स से भी पूछताछ करनी चाहिए कि आप ये कैसे कर सकते हैं, और क्या मतलब, चलिए खैर उन्होंने किया, बड़ी बात है अंपायर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है वर्ल्ड कप जैसे मैच में। जी हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप था, यहाँ पर चलिए जीत गया बांग्लादेश, लेकिन अगर बांग्लादेश हारता तो नीदरलैंड चलिए हार गया था, लेकिन अगर मैच का नतीजा डिफरेंट होता, नेदरलैंड जीता श्रीलंका से, तो नेदरलैंड क्वालिफाई कर सकता था। तो बड़ी बात यह कि मैच पर मतलब फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, मैं उस बात पर जा ही नहीं रहा हूं, बड़ी बात यह कि अंपायर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, उसको तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने नहीं रखा। तो फिलहाल के लिए अब देखते हैं ICC क्या कुछ एक्शन लेता है, या फिर नेपाल पर कोई मतलब नेपाल जैसे छोटी टीम समझकर नेपाल को दरकिनार कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि नेपाल ने कितना गेम इंप्रूव किया है, सारी चीजें की हैं, तो नेपाल को भी आवाज उठानी चाहिए इसके लिए, नेपाल के फैंस को भी, और ICC को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल आप बताइए आपको क्या राय है, क्या आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए।